सैमुअल, आर यू देयर? आई नो यू आर देयर। ये तुम्हारी किस्मत है कि अभी भी मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम जो भी खेल खेल रहे हो, मैं चाहता हूँ कि उसे खेल के खत्म करो। यू कांट डू इट, यू जस्ट कैन नॉट डू इट। थ्री टाइम सैम, थ्री टाइम आई बीट यू। सैम तुम जानते हो ये बहुत खुशी की बात है। फूल जो है, सुंदर फूल खिल के गिरने के लिए नहीं होते हैं। मैं उन्हें हासिल करना चाहता हूँ। बेवकूफ कुत्ते का बच्चा। The last thing you're gonna see in life is my face. This is you, man. This is you. तुम्हारा यही स्पिरिट मैं चाहता हूँ। तुम्हारे लिए मेरे शब्द ही काफी हैं। और मैं ये कहता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। All right then. Good luck. सिग्नल तो सिटी के ईस्ट से आ रहा है सर। एनी गेसेस? हेलो सर, हेलो सर। बहते हुए खून से भी तेज है खामोशी। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा प्यार मेरे पास है कि नहीं। मैं चाहता हूँ कि मेरा प्यार मेरे पास हो, प्यार मेरे साथ हो, मेरा प्यार मेरे। बॉस, वो सारा को अपना दुश्मन अश्विन प्रपोज करने वाला है बॉस।
गर्ल्स को अट्रैक्ट करना एक आर्ट है। मैं जानता हूँ और लड़की पढ़ा भी सकता हूँ। ओ तो तुम प्रिपेयर्ड हो, क्या करोगे तुम? तुम्हारा प्लान क्या है? तुम बस देखते रहो, हम भी देखेंगे। वो थोड़ी बोल्ड लड़की है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम सब तुम्हारे साथ वा, देंगे। वा। देख देख बस आ गई। अरे यार जाना, वो देख सामने वाले भी देख रहे हैं, जल्दी जा। वो मजे लेगा और हम मार खाएंगे क्या? मेरी प्यारी सारा। क्या कहा सारा? सारा वो देख अश्विन आ रहा है। I'm fed up with this guy. सारा ये अश्विन आज मार खाएगा। ये ओल्ड कॉइन्स है, क्या तुम्हें इनकी कलेक्शन करना पसंद है? थैंक्स अश्विन, मैं सिर्फ कॉइन कलेक्शन ही नहीं करती, स्टैम्प कलेक्शन भी करती हूँ। हाँ तुझे प्यार की बात करनी है तो फिर आई एम सॉरी। अरे अश्विन तो अपसेट हो गया। हमें क्या करना है? राजीव ब्रो तुम अच्छे लग रहे हो, आज भी नहाए नहीं क्या? अरे रुक जा। नहीं कर, जाने दे। क्या कर रहा है? So when the hammer strikes the gong of the bell, it creates the buzzing sound. Okay? Yes, ma'am. Now tell me, what is an electric bell? You? Yes, you. Stand up. Tell me, what is an electric bell? Tell me. Thank you, miss. Thank you, miss. बज गया आज तो। तूने जो कहानी बताई थी? क्या कहानी? सच बताया था मैंने? हाँ जानती हूँ, पर आगे क्या हुआ? आज का मुंबई पहले बॉम्बे था। तेरे डैड जैसे बताते हैं वैसे बता। भूत की तरह ठंडी हवाएं, खून की बदबू से भरा हुआ मुंबई। पहले मुंबई का नाम बॉम्बे था, बातें बाद में गन पहले गली गली में चोरी होती थी। उस जमाने में करीम लाला, छोटा शकील, दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों का राज था। और वहां मेरे पापा डेविड नायर, माय डैड। पापा की कंपनी अंधेरी में एक फ्लैट प्रोजेक्ट कर रही थी। एवरीथिंग वॉज परफेक्ट, द पेपर्स, द अथॉरिटी, बट जिन गैंगस्टर के नाम मैंने तुम्हें बताए उनके आदमी एक्सेप्ट देम, पुलिस एंड कलेक्टर, क्लियर ऑफ इनिशिएट करने के लिए तैयार नहीं थे। दे वेयर प्रिपेयर्ड, दे वेयर स्ट्रॉन्ग एंड मोर ओवर दे वेयर गुड नंबर्स। उसके बाद अ ब्लैक बीस्ट 52 वॉल्टियर, दैट्स माय डैड डेविड। वो ब्रांडेड शूज पहनते हैं, कूलिंग ग्लास पहनते हैं। माय डैड गिव देम एन ऑफर, लाइफ और लैंड। पापा ने तुरंत गन निकाल के उसके माथे पर रखा दिया। एक घंटे में अंधेरी का वो प्रोजेक्ट क्लियर हो गया। ठीक है, फिर एक दिन ना तुम गन लेकर घूमना, हम देखेंगे। मैं क्यों घूमूं? तेरे पापा को बोल घूमने के लिए। झूठ है ये, सफेद झूठ। इसकी गप मारने की तो कोई सीमा ही नहीं है। इसकी बात पे भरोसा मत करो, स्पाइडरमैन, सुपरमैन सब झूठी कहानियां हैं। कुछ भी बोलते रहती है। उधर देख।
क्या हुआ? कौन सी कहानी सुनाती है? हाँ सही है यार, सही है यार। अरे अरे क्या वॉल्टर पीपीक्यू स्विस मेड, यू वांट ट्राई? आप लोग समझते क्या हो? चाहे कैलिफोर्निया हो या पेनिनसुला हो, चाहे फिर टेक्सास हो, लड़की के हाथ में गन? आई हैव टू रिपोर्ट दिस। अगर वो किसी के सर पे रखकर ढिसकियो, वो मर गया और पुलिस में कंप्लेन हुई तो क्या करेंगे? हाँ चेयरमैन, आप क्या कहते हैं? मैडम मैडम, हेडमास्टर सही बोल रहे हैं। गन इसके हाथ में कैसे आई, ये आपको बतानी पड़ेगी। सर प्लीज, ये गन सारा के हाथ में कैसे आई हमें नहीं पता। ये इसके ग्रैंडपा की है। He is ex-military man and he has license. So, license ग्रैंडपा का है, सारा का तो नहीं है ना? इस लड़की के फादर मुंबई के कोई गुंडे थे क्या? हिंसात्मक कहानियां सारा अपनी सहेलियों को बताती रहती है, इसीलिए लड़की के फादर यहाँ आने चाहिए। He is responsible for this and he has to come. Underworld Dawn, उन्हें यहाँ आना पड़ेगा। सर प्लीज अंडरस्टैंड, डेविड अभी यहाँ नहीं है। नो नो, आई विल हैव टू टेक एन एक्शन। स्कूल में नया ब्लॉक बनाने के लिए अच्छी डोनेशन देने की बात डेविड ने मुझसे की थी। ओहो, डेविड डोनेशन दे रहा है? तो भी क्यों परेशान हो रहे हैं? लड़की है, गलती हो गई, जाने दीजिए, इश्यू मत बनाइए। यू कैन गो। थैंक यू सर। मम्मी को वायलेंस पसंद नहीं है। मम्मी से प्यार होने के बाद पापा ने रिस्की बिजनेस छोड़ दिया और यहाँ आ गए, फिर मैं पैदा हो गई। मेरे पापा बाइक ही नहीं, कार भी स्पीड से चलाते हैं। इसकी कहानियां, इसके पिताजी तो सब कुछ चलाते हैं, एरोप्लेन भी चलाएंगे। झूठी कह की, ये तो दुनिया की सबसे बड़ी झूठी है। ग्रैंडपा की गन लाकर हमें डराने की कोशिश कर रही थी। पिताजी को लेकर आने की बजाय मम्मी को लेकर आ गई स्कूल में प्रिंसिपल साहब से मिलाने के लिए। सुपर हीरो क्यों नहीं आया? That's my superhero. Pump your brakes when you feel this greatness.
this got so reckless, so reckless. King is the name, so I stay fresh. Mass killers, hands down, mad with just no stress. Put my shades on, I'ma be the swaggest. I'm a bad bitch. Lay your hands off my baby, my lady. With your pretty smile, just save me, just save me. Hold up, hold up. में आने के लिए कहा था? आज उसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी, साइट पे काम में बहुत बड़ा इश्यू हो गया था, तो फिर 5-6 लोगों के हाथ पैर तोड़ने पड़े, बाइसेप्स, काफ, हिप। लड़ाई हुई थी? लड़ाई नहीं हुई, बट फायर सीन हुआ था। सुनाओ। हाँ, श्योर। मैत्री सर ने मुंबई की कहानी बताई और आप जो कहानियां सुनाते हैं वो अपनी सहेलियों को सुनाती रहती है। मम्मी कुछ भी बोलती है। पापा, लुईस का नया जैकेट आप खरीदना, नेक्स्ट टाइम जब आओगे ना पहन के आना। डील। बहुत अच्छा, क्यों बदलना चाहती हो इनको? क्यों, पापा को जैकेट और ग्लास नहीं पहनने चाहिए क्या? पापा अच्छे लगते हैं। अपनी सारा की खुशी के लिए जैकेट बोलेगी तो जैकेट पहनूंगा, कूलिंग ग्लास बोलेगी तो कूलिंग ग्लास, ठीक है? पापा, क्या आप लैंड माफिया हैं? क्या कहा तुमने? ये तुमसे किसने कह दिया सारा? आप चाहे तो माफिया बन सकते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। इस लड़की को आप बहुत बिगाड़ रहे हैं, लड़की हो भूलो मत। अब इसने क्या गलती कर दी? तो आप अपनी कहानी सुनाते रहिए। ज्ञान की कहानियां सुनाने के लिए तुम हो ना, मैं तो सिर्फ अपनी ही कहानी जानता हूँ। एक घर में दो लड़कियां बिना लड़े नहीं रह सकती। डोंट टॉक, just act. Don't say, just show. Don't promise, just proof. Good, very good. Thank you. ड्रामा की कहानी क्या है? शेक्सपियर की कहानी में राजकुमारी मोजा को दुष्ट शक्तियां घेर लेती हैं, उससे बचने के लिए हिफाजत की यात्रा की गई। यह है कहानी सर। कुल मिला के देखें तो ना समझने वाला नाटक, सही है। गोकुल, आपकी ये बातें समझ के बाहर है। तो फिर बताइए आप क्या समझते हैं? कोई भी इंग्लिश नॉवेल उठाकर करके समझाएंगे तो कोई समझेगा नहीं। अब इसका क्या मतलब है कि ऐसा करो वैसा करो, कोई भी चीज सुनाकर कला का नाम दे दिया, ऐसा थोड़ी होता है। आप जानते हैं डांस के बारे में, कथकली है? आप जानते होंगे, मैं तो नहीं। क्या कथकली नहीं जानते? नहीं जानते, नहीं जानते, यही तो मुश्किल है। वैसे करना क्या है? करेंगे क्या, मिमिक्री, कहानी सुनाना, नाटक, यही सब। मेरे पास दो आइटम है, रहने दो उसे। तुम क्यों बोल रहे हो ऐसा? उसे अपने पास ही रखो। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, सारे के सारे दर्शक भाग जाएंगे। मेरे चाकू के खेल को सिर्फ इंडिया नहीं, यूनेस्को ने भी मंजूर किया है। लेकिन मैंने मंजूर नहीं किया। डेविड, मैं जा रहा हूं क्योंकि आज जेम्स बॉन्ड की पिक्चर रिलीज हो रही है। जेम्स की फाइल लेकर मेरे केबिन में आ जाओ। डेविड, मैंने बताया था आज रोजी का बर्थडे है, डिनर और उसके बाद फिल्म देखने का वादा किया था। मना करूंगा तो उसका दिल टूट जाएगा डेविड। ठीक है। You look like my next mistake. Love's a game, wanna play. Hey, new money, suit and socks. प्रिया सारा, मैं जिंदगी में पहली बार ये लव लेटर लिख रहा हूँ। मुझे लगता है कि तुम एक दिन मेरे प्यार को एक्सेप्ट जरूर करोगी। ये लेटर पढ़कर अरेबिक समुद्र के किनारे पर आ जाना। सारा मंजूर हो तो जरूर आना। सारा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अश्विन, सारा,
सारा। क्या हुआ मम्मी? ये क्या है? लव लेटर। लव लेटर? तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम स्कूल में पढ़ने जाती हो या ये सब करने? ये लव लेटर है, अश्विन ने दिया है। और तुमने आंख बंद करके वो लेटर ले लिया? मुझे क्यों नहीं बताया? टीचर से कंप्लेंट क्यों नहीं की? ये वन वे है, डैडी ने कहा है ना अपनी पसंद के लड़के से प्यार करने के लिए। अच्छी बात है, डैडी और बेटी मिलकर नाटक कर रहे हैं। मैं किसी से प्यार नहीं करती, डैडी जैसा कोई मिलेगा तो करूंगी। क्या बात है? पापा लव लेटर है। ऐसा क्या? आपने इसकी बात सुनी? आप जैसे लड़के से प्यार करेगी। मेरे जैसा लड़का? आज बहुत बढ़िया मेकअप किया है तुमने। खास बात है। आप सभी को मेरा नमस्कार, और अब बारी है केरल की। डेविड मैं नहीं आ पाऊंगी, अर्जेंट बोर्ड मीटिंग है। कोई बात नहीं, तुम मीटिंग अटेंड कर लो, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। लेकिन फिर सारा? वो 5 बजे आएगी, तुम पिक कर लो। मेरा इस प्रोग्राम में रहना बहुत जरूरी है, निकलना मुश्किल होगा। ओके, डोंट वरी, कीज उसके पास है, वो खुद आ जाएगी। ओके। मैडम, बोर्ड मीटिंग कल के लिए पोस्टपोन कर दी है। ओह, ओके।
सारा कहाँ है? सारा कहाँ है? सारा, 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 बेटी, बेटी, सारा, कौन मेरी बेटी से? डेविड, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। नो, हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे। तुम सिर्फ माँ नहीं, एक डॉक्टर भी हो। उसे ठीक करो। I want her back। उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। नहीं, हरगिज नहीं। मीडिया और लोगों की बातें मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे स्नेहा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी की बेइज्जती नहीं होने दूंगा। तुम उसका इलाज करो, तुम उसका इलाज करो। डू वॉट आई से। मेरी बेटी के साथ जिसने भी ये किया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। She is raped brutally. उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। मुझे मेरी बेटी चाहिए। मैं जानती हूँ डेविड, आप मेरा भरोसा कीजिए, मैं उसकी केयर करूंगी। उसे ले जाना पड़ेगा। मैं उसकी माँ हूँ डेविड, प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड। चलो, लगता है सिक्योरिटी वाला है। क्या बात है? अब बात क्या है, बताइए तो सही। देखिए, आपके फ्लैट में एक रॉबरी हुई है। अब यह सच है क्या? नहीं नहीं, यहां पर कोई चोरी नहीं हुई। सर, सिगरेट। आपने इसे जब सिगरेट लेने भेजा तो सीसीटीवी कैमरा ऑन था, लेकिन सीसीटीवी कैमरास अब कैसे बंद हो गए? डेविड सर, मैं आपसे बताना भूल गया, मैं जॉनी सर के फ्लाइट में था। सर ने मुझसे सिगरेट मंगवाई तो मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं हुई। सीसीटीवी कैमरे का कनेक्शन तो है, लेकिन उसमें कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ और कोई कंप्लेन भी नहीं आई। ठीक है, तुम अभी निकलो, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। ओके, आप भी जाओ। क्या? प्लीज गेट आउट ऑफ माई हाउस। मिस्टर डेविड, वैसे आप सिगरेट पीने वाले नहीं लगते।
उस फ्लोर पे 3 फैमिलीज रहती हैं सर। एक तरफ वकील की फैमिली है, वो लोग 2-3 दिनों से बाहर हैं सर। ओके। ओ दूसरी तरफ बिल्डर और उसकी पत्नी है सर, वाइफ डॉक्टर है सर। वो 6 या 7 बजे तक आती है सर। पुलिस। पुलिस हो? पुलिस हो तुम? लगता है सन की है। जितने भी पुलिस वाले सन की हैं, उन्हें सरकार ने एक CBCID डिपार्टमेंट में रखा है। तुम बॉयज हॉस्टल में घुस के दादागिरी दिखा रहे हो? तुम कहां के पुलिस वाले हो? मैं ये बात बताने वाला था, हमारे देश में थोड़े दिनों से नाबालिग बच्चियों के साथ रेप करके उन्हें मार दिया जा रहा है। मॉस्को एक्ट कस्टडी के अंतर्गत ये एक अंडरकवर मूवमेंट है। आई एम अ पार्ट ऑफ। तो तुम्हें क्या चाहिए? वॉचिंग पावर इज इनलीगल। उस केस के तहत कोई भी अरेस्ट नहीं हो सकता। लेकिन ये चाइल्ड पोर्न खत्म हो जाए, नियम कानून और ईमानदारी से लोगों की मानसिकता बदल सकते हैं। बार बार हम ट्रैक करें तो एक काउंसलिंग देकर हम सबको सही कर सकते हैं। ऐसे लोगों को अगर ना पकड़े तो हमें अपने डिपार्टमेंट को जवाब देना पड़ सकता है। तुम एक काम क्यों नहीं करते, हॉस्टल के सारे लड़कों को एक बार देख लो। हाँ। सिंपल, दिखा दो उनको। नहीं हो सकता सर। 3 गाड़ी भर के बाहर पुलिस खड़ी है। इस हॉस्टल में 150 स्टूडेंट्स हैं। अगर सभी मिलकर आपको मारे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, समझ गए? मैंने तुम लोगों से प्यार से बात की लेकिन तुम लोग नहीं समझे, तो अब भुगतो।
वो सब सिर्फ एक बुरा सपना था। तुम अब बिल्कुल ठीक हो। मम्मी उधर है। थोड़ा साइड हो जाओ। अरे कौन है चीटी काट? क्या जोशी साहब, आप भी? अच्छा हो सर, आपकी लेडी ऑफिसर तो बहुत मस्त है। इसको कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं दिया क्या? कुछ ज्यादा ही दुबली दिख रही है। क्या बोल रहा है? अच्छी लड़की है, कुछ ज्यादा ही सुंदर है सर। अच्छा ये बताइए, यहाँ हुआ क्या था? पहले बच्ची को अगवा किया, रेप करके उसकी हत्या की, फिर उसे यहाँ फेंक दिया। अब ये कौन आ गया सर? मैंने बताया था ना अभी। गुड मॉर्निंग सर। तुम यही रुको, मैं आता हूं। हाँ अंडर कवर है तो किसी भी ड्रेस में आ जाएंगे क्या? सॉरी, इससे ज्यादा जरूरी है कि हम केस पे ध्यान दें। तुम कब आई? रिपोर्ट मिलते ही आधे घंटे के अंदर मैं पहुंच गई। कोई क्लू मिला? नहीं सर। कोशिश नहीं की होगी तुमने, जाके ढूंढो। दो दिनों से कोई मिसिंग का केस आया है क्या? नहीं सर। किसने कहा? मुझे लगता है कि कोई ना कोई केस आया होगा। कैसे सर? कैसे क्या, बेकार की बातें मत करो। कोई केस आया था क्या, ये पूछ रहा हूँ। जो जानती हो उसके बारे में क्यों बोल रही हो? सॉरी सर। लड़की को देखने से लगता है कि वो अमीर घर की है। श्योर, केस करेंगे। मैडम एक फोटो हो जाए। क्या हुआ? क्या आदमी है? इस्तेमाल किया क्या मैडम? क्या? अरे मैडम मैं उस लड़की की बात कर रहा था। अभी तक तो 4-5 केस हो गए, कोई सबूत मिला क्या? हाँ जोस। जाओ ना। यस मैम। जोस हिज टंग इज टू फिल्दी।
इसका कैमरे से चिप निकाल कर बाहर फेंक दो। नहीं मैम, ये एक बड़े न्यूज़पेपर में रिपोर्टर है मैम, बहुत नाम है इसका, एक बड़ा कॉलम लिखता है मैडम ये, बस बोलता ज्यादा है, जाने दीजिए। सर सैमुअल सर ये केस डील कर रहे थे। अभी उनका केस चल रहा है सर। वो एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारकर नीचे गिरा दिया था। वो आदमी शराब पिया था क्या? वो शराब पी के गाड़ी चलाएगा तो उसे क्या पता चलेगा? सर ये कोई घटना नहीं थी, इट्स एन एग्जीक्यूटेड वन। तुम कहना क्या चाहती हो? वो आदमी डेंजरस साइकोपैथ है सर, वो 15 साल की लड़कियों को टारगेट करके मारने वाला किलर है, ये मैं जानता हूँ। आगे बताओ। सिर्फ ये बात नहीं है, वो आदमी सैमुअल सर को भी फोन करता रहता था। सैमुअल सर जैसे अच्छे रिकॉर्ड वाले जेंटलमैन पुलिस ऑफिसर को मात देने वाला, मेंटल टॉर्चर करने वाला, एक सैडिस्ट की तरह वो अजीब ही बातें किया करता था। अ मैन विद अ ब्रूटल ब्रेन। वो सैमुअल सर को अलग अलग सिम से फोन किया करता था सर। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग सैमुअल सर को जरूर किलर के बारे में पता होगा। कोई फायदा नहीं, शराब पी के गाड़ी चला रहा था वो। सर इस मर्डर के बारे में मेरा कुछ डाउट है सर। ओके बताओ। सर मर्डर करने के बाद कातिल ने उसकी बॉडी को फेंकने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल किया होगा। वो गाड़ी अगर हमें मिल जाए तो हम कातिल को आसानी से पकड़ सकते हैं। आजकल हर जगह सीसीटीवी कैमरे का इस्तेमाल होता है जिससे बहुत आसानी हो गई है सर। वेरी गुड, बैठ जाओ। थैंक यू सर। सर मैंने इस शहर के सारे सीसीटीवी कैमरे देखे हैं सर। सर ऐसी उम्मीद है कि वो 1518 गाड़ी से उस लाश को लेकर गया होगा, पहले ऑटो रिक्शा और फिर लॉरी सर। कैसे कह सकते हो? वो मैं नहीं जानता सर, वो तो पता लगाना पड़ेगा सर। आप दिमाग से काम कर रहे हो या फिर हमारा दिमाग खराब कर रहे हो? नहीं सर, मैं वैसा आदमी बिल्कुल नहीं हूँ सर, आपकी मदद करने के लिए काम कर रहा हूँ सर मैं तो। जी सर। सारा, पापा को बाय नहीं किया? सलमा 4 बजे तक घर आ जाती थी। हम दोनों जॉब करते हैं, हमें आते आते 6 या 7 बज जाते हैं। वो स्कूल बस से घर आ जाती थी, लेकिन उस दिन वो स्कूल बस से नहीं गई थी, ना जाने कहाँ गायब हो गई थी। आपसे किसी ने आपकी बेटी के बारे में फ़ोन से बात किया था क्या? ऐसा कोई फ़ोन हमारे पास नहीं आया है। स्कूल बस आ गई लेकिन आपकी बेटी नहीं आई, बस वाले ने आपको ये बात बताई थी क्या? 4 बजे से ही हम दोनों उसे कांटेक्ट कर रहे थे लेकिन कांटेक्ट नहीं हुआ। ओहो, कमाल है। अगर आप इस बारे में कुछ और बताना चाहते हैं तो। कॉल मी। सारा, पापा और मम्मी तुम्हें कितना प्यार करते हैं जानती हो ना?
इस दुनिया में हमारे लिए सिर्फ तुम ही हो। तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया बेटी, मेरी बेटी को कुछ भी नहीं हुआ है, मेरी सारा पहले जैसी ही है। सारा के साथ ये पापा हमेशा रहेगा। सारा, उस दिन कौन था? उस दिन वहां कौन है? बेटा तुम्हें चुप नहीं रहना चाहिए, मम्मी पापा को सब बताना चाहिए। बेटा तुम्हारी मम्मी यहाँ के बेस्ट डॉक्टरों में से एक हैं। तुम्हारी तबीयत खराब होने से उन्होंने काम करने से मना किया। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है ना बेटा? सारे स्मार्ट लड़की है, उसे अपने सारे सपने पूरे करने हैं। दुख तो हम थोड़े दिनों में भूल जाते हैं, वैसे ही तुम भी भूल जाओगी। तो तुम बस मम्मी पापा को खुश रखो। बेटा तुम अपने पापा को तो जानती हो ना, वो तुमसे कितना प्यार करते हैं। मैं जानती हूँ पापा और मम्मी दुखी हैं। पापा मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। पापा और मम्मी को मैं बहुत प्यार करती हूँ। डर लग रहा है, कब से वो मुझे घूर रहा था। उसने मेरा मुंह बंद कर दिया और मेरी यूनिफॉर्म फाड़ दी। वो मेरे बदन पर, मैं बहुत डर गई थी। पापा कहते कुछ नहीं हुआ, मैं बहुत डर गई। पापा नहीं तो, पापा और मम्मी काम पर नहीं जा रहे। पापा को मैंने रोते देखा, मैं नहीं सहन कर सकती। मेरे पापा का रोना नहीं सहन कर सकती। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा का रोना मैं नहीं सहन कर सकती। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। I know it's a nightmare। आजकल मेरी मम्मी और पापा नहीं रोते। पापा मेरे साथ है, मैं जानती हूँ। पापा हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मैं जानती हूँ उस बात को। उन्होंने कहा वो सुपर हीरो की तरह मेरी हिफाजत करेंगे, लेकिन पापा मेरी हिफाजत करने नहीं आ पाए। मुझे किसी ने नहीं बचाया मुझे। How are you, बेटा? She is better now. बहुत जल्द सारा घर चली जाएगी, ठीक है ना? डेविड, वो मनीषा के बारे में अब हमें फैसला लेना चाहिए।
आज मेरा मूड ठीक नहीं है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे साथ ऐसा होगा। दुनिया में छोटे लोग भी होते हैं, बड़े लोग भी। मैंने तो कभी भी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, कभी हर्ट नहीं किया। आज तक मैं अपनी बेटी को कहीं बाहर नहीं ले गया। मेरी बेटी को तो आप जानती ही हो, कितनी हंसमुख थी वो, लेकिन अब नहीं है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूं। हम अपनी जिंदगी जीते हैं बच्चों के लिए ना, और इसीलिए अगर उन्हें कोई तकलीफ होती है तो हमारी आत्मा रोती है। स्कूल बस छुड़वा कर अपनी गाड़ी में ले जाता हूं ताकि वो खुश हो जाए, लेकिन मुझे दुख है कि ऐसा नहीं हुआ। डेविड, नहीं प्लीज, मुझे मेरी बात कहने दीजिए। अफसोस है कि उस वक्त मैं अपनी बेटी को बचा नहीं पाया। कोई बात नहीं, मेरी बेटी जिंदा है, यही हमारे लिए बहुत है। शायद हमारे नसीब में यह होना लिखा था। जिसने भी ये किया उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे मैं ढूंढ ही लूंगा। बाय डैड। बाय। ही वाज अ जोकर। जो होने वाला है वो कोई साधारण नहीं होगा। अच्छा होगा या बुरा होगा ये मैं नहीं जानता। मैं उसे ऐसे लहूलुहान नहीं छोड़ सकता। क्या तुम लोग देखना चाहोगे कि मैं उसके साथ क्या करता हूं? आ जाओ यार, थोड़ा मजा करते हैं। तुम सोचते हो वैसा नहीं है, नादान हो तुम। अरे तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि मैं कहां हूं, कौन हूं, और तुम पता भी नहीं लगा सकते क्योंकि मैं हर जगह हूं। मैं बिल्कुल वही हूं जहां तुम मुझे ढूंढ रहे हो। इस महीने वो 3 को मारेगा। शाम के जैसे वो हमें भी चैलेंज कर रहा है। एक लड़की को मार दिया, हाँ, अभी और 2 बाकी हैं। उन्हीं को मारने को वो टारगेट कह रहा है, या तो फिर उसने दोनों को भी मार दिया होगा। मार दिया होगा तो हमें क्यों बता रहा है? हम इंतजार करेंगे। इस महीने में अभी कुछ दिन बाकी हैं। कुछ भी कहो, वो एक सिंगर है, गाना गा के लड़कियों को मारता है। वो अभी हमें उसे जल्दी ढूंढना होगा। सर के साथ भी खेल खेला, अब आपके साथ भी वही कर रहा है।
जाने दीजिए हमें, हमें क्यों रोक रखा है? हमें देखने दो, क्या हो रहा है यहाँ पे? हम देखने दो, हमें हुआ क्या है? हमारे गांव की बच्ची हम नहीं देखेंगे, जाने दीजिए हमें। पीछे हटो आप लोग, हमें आगे जाने दो, हमें आगे जाना है भाई। अरे कोई तो बताए क्या हुआ है? अरे हुआ क्या ये तो बताइए। जोस, यस सर, वो ग्लव्स की रिपोर्ट आई क्या? नो सर। व्हाई? फॉरेंसिक वालों को अभी तक अपडेट नहीं मिला है सर। इस केस से जुड़ी हुई सारी फाइलें अभी की अभी मेरे टेबल पे चाहिए, भले ही किसी डिपार्टमेंट में हो। ओके सर। वो कम से कम 15 दिनों से सैमुअल सर से फोन पे बातें कर रहा था। जिस सिम से फोन किया गया था उसकी इंक्वायरी करने के बाद पता चला कि ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। पहले दो कॉल इड़की डिस्ट्रिक्ट से किए गए थे, तीसरा कॉल एर्नाकुलम से किया गया। सैमुअल सर की रिपोर्ट के हिसाब से वो एक सीरियल किलर है। डीएनए रिपोर्ट में भी कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। बॉडी हैज बाइट मार्क्स हर जगह पर अलग अलग तरीके से। साधारण किलर्स की तरह खास तरीके से किलिंग फॉलो करने वाला आदमी नहीं है वो। बेहोशी की दवा देकर गला दबाकर ही उसने कत्ल किया था। कुछ लड़कियों को तो बहुत दिनों तक बांध कर भी रखा। इसका मतलब इन सबको छुपाने के लिए उसके पास कोई जगह है। वो कहीं भी छुपे उसको हम ढूंढ ही लेंगे। मुंह पर बैंड बांधकर, नाक पर नोज कैप लगाकर क्लाउन की तरह डिस्प्ले करता है। एंड ही कॉल्स हिमसेल्फ एज जोकर। यस, आई एम द जोकर। क्या है ये? क्या है ये सब? हमारी बेटी को तो भगवान ने बचा लिया स्नेहा, लेकिन ये नहीं बच पाई। देखो ये सब। उसका अगला शिकार कौन होगा ये नहीं पता। स्नेहा, मैं अपनी बेटी से आंख मिला के बात भी नहीं कर पा रहा हूं। हमने क्या क्या सोचा था अपनी बेटी के लिए, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्य है। अभी वो कुछ नहीं बता रही है क्योंकि वो बहुत डरी हुई है। कौन हो सकता है वो? ढूंढ लूंगा, चाहे कोई भी हो। किल हिम, गंदगी हो जाए तो उसे साफ करना पड़ता है, भले ही शरीर में हो या समाज में हो। किल हिम, मार डालो उसे।
अरे डेविड, टोनी आ जाने में देर हो गई। हाँ मैं पुलिस स्टेशन गया था ना, इसलिए आने में लेट हो गया। अभी तक चोर हाथ नहीं लगा। वो सिक्योरिटी वाला बाहर गया था तो चोर को मौका मिल गया, वो मेरे फ्लैट में घुस गया। उसे मालूम था कि मेरी माँ और दादी घर में अकेली हैं, पूरी प्लानिंग के साथ उसने ऐसा किया। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मेरे दोस्त ने मुझे दिमाग दिया। आपको पता है माँ के गले का हार और 25,000 रुपये चोरी हुए हैं, मेरे फ्लैट में सिर्फ इतना ही था। अच्छा उस वक्त तुम्हारी बेटी कहाँ थी? आप तो बिल्कुल पुलिस वालों की तरह सवाल पूछ रहे हैं। मेरी बेटी तो बेंगलोर में है, उसकी तबीयत ठीक होगी फिर आएगी, बहुत दिनों से वो वहीं है। अब एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? तुम्हें किसने कहा कि चोरी हुई थी? आप भी ना, आप कैसी बातें करते हैं, मेरा फ्लैट है, मैंने खुद जाके वहाँ देखा था। देखिए अभी मैं थोड़ा थक गया हूँ, बाद में आराम से सब कुछ बताऊंगा, ठीक है? मुझे जितना पता था मैंने बता दिया। सिर्फ 10 मिनट के लिए मैं चाय पीने बाहर गया और इतने में ही चोरी हो गई। तूने जो पुलिस को बताया मुझे मत बता। आप सब लोग इतने बड़े साहब होकर भी हम जैसे मामूली सिक्योरिटी पर इतना शक करेंगे तो मैं क्या जवाब दे सकता हूं सर? के बाद मेरा जीजा मुझसे मिलने गांव से आया था, उसी ने कैमरा बंद करने का प्लान किया था। मेरी कोई गलती नहीं है सर, वो ऐसा करेगा मुझे पता नहीं था। चोरी का माल, 25,000 रुपए और सोने की चैन सब मैं आपको दे दूंगा सर, मुझे मत मारिए सर। चोरी सर के फ्लैट से मैं चोरी करके निकला तो मैंने देखा एक आदमी का मुंह ढका हुआ है, जोकर जैसा दिख रहा था। फिर मैंने उसे लिफ्ट से भागते हुए देखा, उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानता, मैं तो अपने घर चला गया था, मुझे बस इतना ही पता है साहब। वाह क्या बॉडी है। सर शहर में जिन छोटी लड़कियों का रेप केस हुआ था उसमें ये अक्यूज्ड है सर, ये मास्टरमाइंड है सर, ट्यूशन पढ़ाता है सर ये, इसने पहले भी 3 लड़कियों का रेप करने की कोशिश की है सर, उसके लिए इसे सजा भी हुई थी। मैं एक आम आदमी हूं, अब आप ही कहिए ये कोई गलती है क्या? एक आम आदमी की तरह जिंदगी जीने के लिए मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, माँ बाप की हमेशा देखभाल की, पढ़ाई में नॉर्मल था, बस दिन बीत रहे थे। तो अभी क्या चल रहा है? ट्यूशन सेंटर बंद कर दिया। मैं जानता हूँ आप मुझ पर शक कर रहे हैं लेकिन
मैं नॉर्मल हूं, बस कभी कभी मेरा मन अजीब सा करने लगता है। अभी तक तो ठीक नहीं हुआ। मैं बिल्कुल ठीक हूं सर, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ठीक नहीं हूं। दो कत्ल हुए और ये कत्ल तो होने ही थे। मैं लड़कियों को बहुत लाइक करता था सर। जानवर भी अपनी इच्छाएं पूरी कर लेते हैं सर, हम तो इंसान हैं। ये सब कुछ प्रकृति का रचाया खेल है सर। मैंने कहीं किताब में पढ़ा था, ब्यूटीफुल इज अट्रैक्टिव, लड़कियों का जिस्म, उनकी खुशबू, मैं तो बस शरीर का सुख चाहता हूं। आप ही बोलो, इसमें कोई गलत बात है क्या सर? हैं? ये गली का गुंडा मवाली है वो। सर जी, स्कूल छूट जाए तो लड़कियां बहुत डरती हैं। पता नहीं वो कहीं से भी आ जाता है। सिर्फ लड़कियां ही नहीं, यहाँ रह रही औरतें गली में चले तो शराब पीकर आता और ले जाता है। लड़कियां गली में चलने से डरती हैं। यही है वो। सर, उसे यहाँ से ले जाइए और बंद कर दीजिए। ये मौसी की बात उसे मालूम नहीं पड़नी चाहिए। क्या है ना सर, अगर उसे पता चल गया ना तो वो मुझे आके मारेगा। तुमने उस तरफ देखा क्या? हमने सब तरफ ढूंढ लिया सर, वो कहीं नहीं मिला। सर, अगर तुमसे कुछ पूछेंगे तो डरोगे तो नहीं? थैंक यू। वो यही मिलेगा, चोर लोगों के साथ वही कहीं मस्ती कर रहा होगा। आप हिम्मत करके जाइए और जाके पुलिस की पावर दिखाइए। सर, यहाँ तो कहीं नहीं है सर। इन लोगों ने सब जगह ढूंढा सर, पर दिखा कहीं नहीं है। मैंने तो उसे अभी देखा। सर, हम इस इलाके में आ रहे हैं, उसे ये बात कैसे पता चली? हो सकता है भाग गया हो। ध्यान से देखिए, यही कहीं छुपा होगा। इसकी हालत बहुत खराब है, आपने इसे बुरी तरह से मारा है। क्या बोल रहे हो? ये बहुत गलत है। इसे तो कम ही मारा है, अब ये ऐसी बातें नहीं करेगा, ठीक है? देखिए, आजकल तो ये सीजन ही चल रहा है, इस तरह की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ रही हैं। किसी ने इसे भी बहुत बुरी तरीके से मारा है, आप खुद ही देख लीजिए। सर, हम तो अभी इंक्वायरी ही कर रहे हैं और लगता है किसी ने अपना काम शुरू कर दिया सर। सूट बूट में आया हुआ है, जेम्स बॉन्ड है क्या भाई? कौन है यार ये, बड़े स्टाइल से चल के आ रहा है। हा? देख एसी कार है, घर भी एसी होगा, कमरा भी एसी वाला होगा, पर इसका दिमाग इतना गर्म क्यों लग रहा है? एंड्रयू किधर है? क्यों पूछ रहे हो, क्या काम है? एंड्रयू को लेकर जाना है, उससे कुछ जरूरी काम है। एंड्रयू भाई, आपसे मिलने के लिए कोई आदमी आया है। बताइए सर, क्या काम है, कोई प्रॉब्लम? एंड्रयू, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, मेरे साथ चलो। एक आदमी के बारे में जानना है, क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसका। अब चाहे वो तुम्हारे गैंग का हो या किसी और गैंग का हो, तुम उसका पता लगा लोगे, ये मैं जानता हूं। बाकी काम मैं बाद में बताऊंगा। तो ये बात है, एक क्रिमिनल को ढूंढने के लिए दूसरे क्रिमिनल के पास आए हो। गद्दारी का काम कभी नहीं करेगा एंड्रयू।
और अगर पुलिस वाले हो तो कभी नहीं बताएगा। पुलिस वाले मेरी तरह पूछताछ नहीं करते हैं। आप देखने में शरीफ आदमी लगे, इसलिए आपको सर कह के बुलाया मैंने। सर गाड़ी में बैठिए और वापस जाइए। तुम ड्राइविंग जानते हो क्या? मैं कौन हूँ? तुम मुझे नहीं जानते हो। मैं बहुत खतरनाक हूँ। मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तुम एंड्रू के बारे में जानते ही क्या हो? मेरा राज चलता है यहाँ पर। मास्क पहनकर या भेष बदलकर लड़कियों को उठाने वाला हमारी गैंग में कोई भी नहीं सर। ये काम हम पहले किया करते थे। स्कूल जाने वाली लड़कियों के मुंह पे कपड़ा डालकर उन्हें उठा लेते थे, लेकिन अब हम ये नहीं करते सर। थैंक यू सर। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, सब भूल जाऊँगा सर। तुम्हारे लिए भूल जाना ही ठीक है, लेकिन इस हाथ को ज़रूर याद रखना, दवाई ले लेना। एक बात आप याद रखना सर, एंड्रयू कहीं भी रहे उससे काम कैसे लेना है सभी जानते हैं सर। मैं क्या करूंगा खुद नहीं जानता। आप तो जानते हैं लड़कियां कितनी इमोशनल होती हैं, किसी से भी प्यार कर सकती हैं। मेरी बेटी मुझसे बहुत डरती थी, अपने मन की बात मुझसे कभी नहीं बताती थी। अगर बताना हो तो सिर्फ अपनी माँ को बताती थी। पता नहीं वो मुझसे इतना डरती क्यों थी, लेकिन अब आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या? आप पूछना क्या चाहते हैं, कौन हैं आप? मैं आपको बता दूं कि मैं भी एक रिपोर्टर हूं। लड़कियों पर जो अन्याय होते हैं उसके बारे में तो प्रेस रिपोर्टर्स बहुत कुछ लिखते हैं, और दुनिया भी उसी के बारे में जानती है जो वो लिखते हैं। लेकिन जो अन्याय होने वाला होता है मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूँ। आप बताना क्या चाहते हैं मुझे? वसीम, आप एक बिल्डर हो? कौन है वो आदमी और वो तुमसे इतने सवाल क्यों पूछ रहा है? ठीक है, मैं उससे बात करता हूं। डेविड नायर, ही इज अ बिल्डर। डेविड के फ्लैट का सीसीटीवी खराब हो गया था। सिगरेट लाने जब सिक्योरिटी गार्ड नीचे गया था वो सीसीटीवी फुटेज मिसिंग है, लेकिन उसके पहले का सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। आपने इसे जब सिगरेट लेने भेजा तो सीसीटीवी कैमरा ऑन था, लेकिन सीसीटीवी कैमराज अब कैसे बंद हो गए? सर उसका बिहेवियर बहुत अजीब था। क्या? प्लीज गेट आउट ऑफ माई हाउस। वो कंट्रोल रूम में गया, फिर उसने पूछा था रॉबरी के बारे में, लेकिन पता नहीं क्यों फिर उसने रॉबरी के बारे में पूछताछ बंद कर दी थी। सर मैं उसे 2 दिन पहले डीसीपी ऑफिस में मिला था। कहां पर? हमारे राइट वाले केबिन में। वो यहां क्यों आया था? पोस्टल केस की रिपोर्ट और इसके अलावा सैमुअल सर के मौत की सारी डिटेल्स वो आदमी अपने साथ लेकर के गया। क्यों ले गया ये पता नहीं। उस आदमी की एक प्यारी सी बच्ची भी है। कौन है? एंजूस, पुलिस वाला हूं, सीबीसीआईडी से। क्या हुआ, किसी ने मारा क्या? वो दरअसल गिर गया था सर। लग तो रहा है किसी ने मारा है। हाँ, डेविड है क्या? हाँ?
टेल मी सारा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? टेल मी, डिड यू सी हिम? मैं तुम्ही से बात कर रहा हूं। हाय स्नेहा, मैं अंजुस पुलिस हूं। सारा से मुझे कुछ बातें करनी थी। सारा अपने रूम में जाओ। सारा यहां से कहीं नहीं जाएगी, तुम बैठ जाओ। सर आई एम टॉकिंग टू यू। आप यहां से जाइए। सारा तुमने उसे देखा था क्या? hey, तुम यहां बताओगी या फिर पुलिस स्टेशन में? पिताजी, मेरे सवालों का जवाब देने के बाद चली जाएगी। क्या है? एंड्रू सिफिन, क्राइम ब्रांच। सारा अंदर जाओ। चलो आप मेरे घर से चले जाइए प्लीज। सियो मिस्टर कर्नल नैनन फ्रांसिस। हाँ मिस्टर नैनन, मैं सारा से पूछताछ करना चाहता हूँ। आपको अपनी बेटी और सारा के साथ कल मेरे ऑफिस आना होगा। तुम अच्छे से रहोगे तो मैं भी रहूंगा। कल आते तो भी चलता, वक्त से पहले आ जाना। हर जगह अगर टाइम पर पहुंचते तो सारा के साथ ऐसा नहीं होता। वेयर इज सारा? नहीं आई और आएगी भी नहीं। यहां कुछ पुलिस वाले भी हैं और सारा का पापा भी है। चाय अभी गर्म है, कुछ देर में ठंडी हो जाएगी, लेकिन मैं कभी ठंडा नहीं होऊंगा। आई एम अ कॉप। यस कॉप हो। देश में लोगों को ठीक करने का काम तुम्हें किसने दिया? और शहर के सारे गुंडे मवालियों से लोगों को बचाकर अपने आप को शहर का किंग समझते हो क्या तुम? तुम तो जानते ही हो शेर शेर होता है, प्रकृति का एक नियम है। जंगल में बहुत सारे खतरनाक जानवर होते हैं लेकिन किंग शेर ही होता है। न्याय और ईमानदारी संभालने के लिए डेविड भी एक महाराजा की तरह है, यह बात सारे लोग जानते हैं और तुम भी जान लो कि किंग है डेविड। आई एम नॉट डन डेविड। But I am. इस सीरियल किलर से लोगों की हिफाजत करने के लिए और इस केस में आगे बढ़ने के लिए उस लड़की से पूछताछ करनी होगी। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानूंगा। वो लड़की अभी भी शौक में है, तुम उसके घर जाके प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। लड़कियां तो ऊपर वाले का वरदान होती हैं, और वैसे भी तुमने उस लड़की को बहुत तंग किया है। इस केस में अपने पर्सनल ईगो को मत घुसाओ, वरना तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। अच्छे रास्ते पे तो जाना चाहता हूं, लेकिन जाने नहीं दिया जाता। नौकरी बचाते हुए उस लड़की से पूछताछ कैसे करनी है ये एंड्रूस जानता है। तो सर आप फिक्र मत कीजिए। मेंटेनेंस सेक्शन से सब चले गए हैं सर, कोई भी नहीं है वहां। हेलो, प्यार मेरे साथ हो मेरा प्यार मेरे ला 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 ला। हेलो कौन?
कौन हो तुम? इट्स मी डेविड द स्वीट किलर द जोकर। तुम मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे हो पर मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा हाँ, पर मैं अपने थ्रिल को नहीं बिगाड़ूंगा। फाइंड मी डेविड, फाइंड मी। ओके टाटा, गुड लक। थैंक यू सारा। डेविड कम सिट। तुम्हारा नाम क्या है? सारा डेविड। नाइस नेम। थैंक यू सारा। वी आर हेयर टू हेल्प यू। जो बातें तुम माँ बाप को नहीं बता सकती हो, जैसे तकलीफ देने वाली बातें, रास की बातें, ये सारी बातें तुम हमें खोल के बता सकती हो। सारा, किसी ने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया था क्या? सारा तुम किसी से डरो मत, जो कुछ भी है खुल के बताओ। लड़कियों की तकलीफें दूर करने के लिए सरकार ने बहुत सारे नियम बनाए हैं। सारा तुम मेरी बात समझ रही हो ना? ए सारा इधर देखो। डरो मत सारा, बोलो। जब घर में कोई नहीं था तो उस वक्त कौन आया था? आई मीन तुम्हारे साथ किसने मिसबिहेव किया? कौन है वो आदमी? सारा तुम बेकार में रो रही हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं। उसने तुम्हें क्या किया बताओ? नहीं सच में ऐसा नहीं हुआ। पापा ने कहा है ना ऐसा बोलने के लिए। सारा अब तुम बड़ी हो गई हो, बोलो क्या हुआ था तुम्हारे साथ बताओ सारा। Stop this nonsense. What's going on? अगर मेरी बेटी का पीछा करना तुमने नहीं छोड़ा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। डॉली। हाँ आ रही हूँ। लीजिए।
सर रात के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक का ये सीसीटीवी फुटेज है। यहां पॉज करो। वो गाड़ी पे लगे स्टिकर पर जूम करो। जूम नहीं कर सकता सर मैं, यहां तक का फुटेज कट करके रखा था। आपसे पहले एक आदमी बाकी फुटेज लेकर गया, वो फुटेज अभी भी सिस्टम में पड़ा है। अगर आप चाहो तो उसे सिस्टम में चेक कर सकते हो। वो सर कब आए थे? वो सीसीटीवी में होगा। चलो ठीक है, उस सर को भी देख लेते हैं। ये है सर। Excuse me, डॉक्टर सुजैन से मिलना है। उनका केबिन फर्स्ट फ्लोर पर है। थैंक यू। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट में 5 साल तक की कैद हो सकती है और जमानत भी नहीं मिलेगी। डरा रहे हो? ऐसा ही समझ लीजिए, एक लड़की को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन आपने उस लड़की का नुकसान कर दिया। उस लड़की का क्या नुकसान किया? आप नहीं समझ सकते हो, उस लड़की के साथ क्या हुआ है, वो जिंदगी कैसे जी रही है आपको पता है क्या? उस लड़की के साथ जो घटना हुई है, इसलिए हम सबको उसके साथ सिंपैथी और इंसानियत दिखानी चाहिए, न कि आपकी तरफ प्रेशर डाल के बात करनी चाहिए। तो आप उसे बचाना चाहती हैं, ये आपका फैसला है? फैसला कर लिया, नुकसान करेंगे, नॉनसेंस। देखो ऑफिसर, मुझे काम पे जाना है, मुझे बहुत काम है। ए क्या कर रहा है? क्या हुआ बे? हम लोग भी माल लेने के लिए यही लाइन में खड़े हैं, यहाँ से निकल और पीछे जाके। तो मैं क्या करूँ? बात समझ में नहीं आ रही है क्या? चुपचाप जाओ और पीछे। अबे हट पागल, जबरदस्ती बड़बड़ कर रहा, जाके अपना काम कर। ए धक्का क्यों मार रहा है? अबे मुर्गी के अंडे जैसे हो, मुझे उड़ना सिखाओगे? क्या है सर, हम भी तो खड़े हैं, जाके खड़े होइए ना पीछे। पागल कहीं शराब पीने के लिए लड़ाई कर रहा है? फोड़ूंगा अबे तुझे बेटा। मुझे अकड़ नहीं आ रहा है, लड़ाई का जमाना ही नहीं है, हम लोग कितने देर से लाइन में लगे हैं और ये आगे पहले घुस गया। हेलो, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। उसे छोड़ दिया तो भी अच्छी बात नहीं होगी। डेविड ही नाम है ना उसका, नहीं छोड़ेंगे उसे। सच कहता हूँ भाई, आपसे ना पूरा गांव डरता है, लेकिन वो अकेला आदमी आपको कैसे मार पाया? उसके बारे में और कुछ पता है तो बता। सफेद गाड़ी और बेटी साथ में हुई तो समझो कि सब नॉर्मल है। भाई वो लड़की आ रही है। स्कूल के सामने तो मत करो भाई। सारा भाई देखो देखो वो नीचे उतर रहा है। क्या कर रहे हो यार, जल्दी करो, छोड़ना मत उसको। हाँ भाई जल्दी करो, जल्दी करो, छोड़ेंगे नहीं उसे। आराम से आजा, जल्दी करो।
just mess with. If you want it, then you feel it, this is how. If you got money, give a check to my checklist. Pull the trigger, reload and slide. I'ma die as a soldier, but I'll never, never let it take over. Skin red and my legs are sober. Why am I heart broken when you just told us? हमने तो आज तक ऐसी गन नहीं देखी थी भाई। अच्छा है कि निकल लेते हैं। चले वापस। हाँ भाई। Hey, माँ को बोलो मेरे लिए चाय बनाए। अबे क्यों भौंक रहा है? मैं साधारण नहीं, शिकारी कुत्ता हूँ। तू मेरे से बात करेगा, मैं जानता था। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हें फोन करूंगा? जरा होल्ड कर, अभी तक मेरी चाय क्यों नहीं आई? चल भौंकना शुरू कर। सुनो, कॉल मी जोकर। तुम ऑफिसर हो, तुम बताओ। तू किसी नई लड़की को मारने जा रहा है, यही बताना है ना तुझे? ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम बिल्कुल सही हो यार, मैं एक और लड़की को मारूंगा। पता है क्यों? क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है। अब भौंकना बंद कर, तू भौंकता रहेगा और मैं सुनता रहूंगा। तूने ही सैंबल को मारा है, मैं जानता हूँ। तेरा अगला टारगेट क्या है ये भी मैं जानता हूँ। चल फोन रख लूजर, आई डोंट हैव टाइम फॉर लूजर्स। व्हाट? आई एम नॉट लूजर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लूज? उसने सर से बात करते वक्त सिम बदलकर सिर्फ दो कॉल्स ही की थी। सिम चेंज किया लेकिन मोबाइल सेट नहीं बदला। सेम मोबाइल से ही दोनों कॉल्स की गई और उसमें से एक कॉल की गई जाने माने बिल्डर डेविड को। सो द ग्रेट फादर इज इन द गेम। उस आईएमई नंबर को ट्रैक किया तो तीन कॉल्स तीन नंबर से किए गए, बट सेट वही रहा। यही इस केस की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। तीसरा कॉल सत्यनाथन को किया गया था। वो किलर इन सबसे क्यों बात कर रहा है? अभी चाइल्ड अब्यूज के लिए इसकी जरूरत है और अपना किलर पब्लिसिटी के लिए ये कर रहा है। बोलिए सर जी, कोई नई खबर? क्यों सत्यनारायण, तुमसे क्या बात की थी? कौन, कब? तुम्हारा ये एटीट्यूड पुलिस वालों के साथ अच्छा नहीं है। सात दिन पहले यानी सोमवार को ठीक 3:30 बजे तुम्हें एक फोन आया था। वो किसका था, कुछ याद आया? आदमी कमाल के हो, खुद ही ढूंढ लो। मेरा बताने का मन नहीं है, एक पत्रकार का अहंकार समझ लो इसे। आप पुलिस वाले की तरह दबाव बनाकर या फिर ये अपने मसल्स दिखाकर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस बात को भूल ही जाइए। ठीक है, फिर आप निकलिए। क्या सोच रहे हो, अपनी ताकत दिखाओगे? चल दिखाओ। ये सत्यनारायण इंटर डिपार्टमेंट में किसी आदमी का नाम यूज कर रहा है। क्या है? क्या बात है, तुम्हें क्या चाहिए? पैसे? मैं छोटा मोटा प्रेस रिपोर्टर नहीं हूं, मैं पुलिस के लिए काम करता हूं। बताओगे बात क्या है, क्यों बात कर रखा है मुझे?
मैं कुछ नहीं पूछूंगा, फिर भी तू बताएगा। तुम क्या पूछना चाहते हो बेवकूफ? तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार सहित खत्म कर दूंगा। मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, छोड़ दे मुझे वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम नहीं जानते कौन हूँ मैं। तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो मुझे सब मालूम है, लेकिन नहीं बताऊंगा मैं। मेरे हाथ पैर बांध दिए हो तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं सब बता दूंगा? और मुझे कुछ मत कहो, कुछ मत कहो, मुझे छोड़ दो, मैं ऐसा कुछ कहूंगा क्या? डर गए क्या? अरे ये क्या है, ये क्या कर रहे हो? अरे 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 क्या कर रहे हो ये? अरे छोड़ो, अरे हटा इसको, ये क्या कर रहे हो? अरे ये ब्लास्ट हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा, हटाओ इसको, अरे निकालो इसको, मैं सब बताता हूँ। चल शुरू जा। मैं सच में नहीं जानता कि वो कौन है। मुझे उसके बारे में लिखने के लिए बुलाया था, उसके बाद उसने मुझसे कुछ नहीं लिखवाया। मैं ये सब काम पुलिस वालों की नजरों से बचकर करना चाहता था, ताकि मैं उससे मिल सकूं और जान जाऊं कि वो है कौन। वो चाहता था कि लोग उससे डरें। उस आदमी ने फोन पर सारी बात मुझे बताई थी, आपकी बेटी की डिटेल भी दी थी। आपकी बेटी के बच जाने से वो नाराज हो गया, इसलिए उसने आपकी बेटी को मारने का प्लान बनाया। वो आदमी है कौन ये जानने के लिए मैंने आपकी बेटी का पीछा किया था। आपकी बेटी को ढूंढते हुए आएगा ये मैं जानता था, लेकिन उसकी कॉल ट्रेस हो गई थी और पुलिस वाले आ गए थे, इसलिए वो नहीं आया। उस दिन मैंने आपकी बेटी की फोटो भी खींची थी। जानते हैं आर्या ने भी मुझसे बात की थी उस फोन के बारे में। क्यों सत्यनारायण, उसने तुझसे क्या बात की? कौन? अगर वो पकड़ा गया तो मैं भी पुलिस के शक के घेरे में आ जाऊंगा, ये सोचकर मैंने उससे बात करना बंद कर दिया था। और अचानक एक दिन ये क्या, मेरे दरवाजे पर लिफाफे में एक पेनड्राइव पड़ा था। उस पेनड्राइव में उसकी स्टोरी थी, जिन लड़कियों को मारा था सब डिटेल थी उसमें। उसने किस किस को मारा और आगे किस किस को मारेगा ये सब डिटेल थी उसमें। वो अपने आप को इस दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी साबित करना चाहता है। वो चाहता है कि लोग उससे डरें। क्यों और किस लिए? उसने तुझे ही क्यों चुना? वो जैसा बोला मैं वैसा वैसा ही करता गया, शायद इसीलिए उसने मुझे चुना। आप पेनड्राइव ले लो, मुझे छोड़ दो और यहां से जाने दो प्लीज। मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया है, भगवान के लिए मुझे जाने दो यहां से। मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला, मैं जितना जानता था सब बता दिया हूं आपसे। आगे उसके लिए कुछ भी नहीं लिखूंगा, मुझे जाने दो प्लीज। कुछ लिखना भी नहीं और आगे लिखने के बारे में सोचना भी नहीं। सर डेविड यहाँ आया था। हाँ
और ऊपर से एक आवाज भी आई। सर हाँ, ऐसा लगता है अंदर कुछ फट गया है। हो सकता है वो कोई बॉम्ब हो, उसकी जान बचाओ। क्या हुआ, क्या हुआ यहाँ? बम ब्लास्ट हुआ, मुझे अस्पताल पहुंचा दो प्लीज। हाँ डेविड, मैं कुछ दिनों के लिए माँ और मौसी के पास गया था। तुम्हें तो पता ही है कि अभी सब लोग बैंगलोर में ही है। पेन ड्राइव है क्या? काफी पुराना लग रहा है, लगता है आपने बहुत यूज किया है। इसकी तो कैपेसिटी भी बहुत कम है, 4 GB, 2 फिल्मों में ही भर जाएगा। मैं इसे रख लेता हूं, मेरे पास हार्ड डिस्क है। चुपचाप दे दे, नहीं तो मार दूंगा। हा? चल दे। पता नहीं क्यों ऐसा बिहेव करता है। स्टेट में है, लेकिन किसी ने उसके नाम से ये कनेक्शन लिया था। पुलिस वाले भी आए थे, तभी मैंने यही बात की। ये दूसरा कॉल जिसने किया था, क्या उसने किसी को कार्ड और फोटोज भेजे थे? मैंने पहले भी बताया, मैं कुछ भी नहीं जानता। ओके। ये वो फ्लैट है जिसे विलियम ने खरीदा है। कोचीन के वेंचर बिल्डर से ये नया फ्लैट लिया। मैंने ही उसे डॉक्यूमेंट्स दिए थे लोन करवाने के लिए। दिस इज टू इन्फॉर्म यू टू दैट यू हैव बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम दिस फर्म फॉर नेग्लिजेंस एंड मिसयूज ऑफ दिस कंपनी प्रॉपर्टी एंड फोर्थ द मैनेजमेंट हैड डिसाइडेड टू टर्मिनेट यू विद इमीडिएट इफेक्ट। यू आर रिक्वेस्टेड टू रिटर्न ऑल द कंपनी एसेट्स इन योर पोजेशन before leaving। कुछ दिनों पहले किसी ने मुझे फोन किया था और बताया था कि वो एक जोकर है। अब यह जानने का वक्त आ गया है कि वो जोकर है कौन। विलियम चाको अपने ग्रीन क्लिफ विला प्रोजेक्ट का एक क्लाइंट है। उसकी फाइल चेक करने के बाद मुझे पता चला कि उसने जिस पेपर पर अंगूठे के निशान लगाए थे वो गायब है, और उसी निशान का इस्तेमाल करके किसी ने मुझसे फोन पे बात की। पूछताछ करने पे पता चला कि हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स के डॉक्यूमेंट्स भी मिसिंग हैं। निशान मैच करके हम उस जोकर को पकड़ सकते थे, लेकिन वो फाइल ही यहां से गायब हो गई है।
इसलिए मैंने आप लोगों को यहां बुलाया है। अगर ऐसी बात है तो हमें उसे आसानी से नहीं जाने देना चाहिए। हमारी कंपनी के नाम का उसने मिसयूज किया है। लेकिन हम उसे पकड़ेंगे कैसे सर? जरूर पकड़ेंगे, मैं उसे पकड़ ही लूंगा, चाहे वो दुनिया में कहीं भी छुपा हो ढूंढ लूंगा। सर, ये ग्लव्स कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्कर्स यूज करते हैं, पर इसमें सीमेंट मिट्टी जैसा कुछ भी नहीं मिला। ज्वेलरी शॉप की सीसीटीवी में ये गाड़ी दिखी जिस पर ये लोगो था। ये बिल्डर डेविड की कंपनी का लोगो है सर। जो आदमी हमारी नजरों के सामने था, हम दोनों उसे ढूंढ रहे थे। तुमसे एक बात कहूं, तुम्हारे ही आदमी ने तुम्हारी बेटी के साथ, अभी तुम आराम करो, थोड़ी ही देर में वो हमारे कब्जे में होगा। एक बात जान लो, मैं तुमसे पहले उस तक पहुंच जाऊंगा। जब मैं उसे अरेस्ट करूंगा तो उसे ले आऊंगा मिलाने तुम्हारी बेटी से, तब तुम कैसे अपनी प्यारी बेटी को प्रोटेक्ट करोगे देखता हूं। चल बाहर निकल, मैं इज्जत से बात कर रहा हूं। जब तक तुम अच्छे हो तब तक मैं भी तुम्हें इन्वेस्टिगेशन में बताऊंगा। तुमने मेरी बेटी को बहुत टॉर्चर किया, फिर भी मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। अब अगर तूने ऐसा कुछ किया तो समझ लेना तेरे उल्टे दिन शुरू हो गए। प्लीज गेट आउट। सर वो मिल गया। सर ये वही है, इसी के बैग से हमें मिले थे स्कूल गर्ल्स के फोटोज और किलर का ग्लव्स। हेलो डेविड, आई एम सो क्लोज टू यू मैन। अपने आसपास देखो, मैं तुम्हारे आसपास ही हूं। अरे जरा नजर तो घुमाओ। मुझे बहुत मजा आता है।
तुम्हारे हाथ में क्या है? ये एक अंकल ने दिया गेट के पास। इस टेबल पर ये पाउडर कैसे आया? ये यहां बैठकर पेंट कर रही थी, पेंट का पाउडर है। जरा निशा को दिखाइएगा प्लीज। सीरियल तो हमने बहुत देखा है, लेकिन सीरियल किलर पहली बार देखा है हमने। इसने अभी तक कुछ बोला? सर एक ही तो दिया था मैंने इसे, सब कुछ मानने के लिए तैयार हो गया। इसे छोड़ दो, सब मानेगा ये। सर डेविड के ऑफिस के लिफ्ट से मिली बॉडी एक हफ्ता पहले त्रिशूर से गायब हुए 12 साल की लड़की जानसी जोसेफ की है। रिपोर्ट के अनुसार अभी भी एक लड़की उसकी कस्टडी में है। डेविड सर के ऑफिस की सारी इंफॉर्मेशन इस पेन ड्राइव में है सर। तुम किस्मत वाले हुए तो वो तुम्हें मिलेगा, शायद वो तुम्हारी पहचान वाला ही हो। अब जो भी होगा उसमें तुम या तुम्हारी ताकत कुछ नहीं कर सकती। जीतेगा सिर्फ एक बाप। Love you, Sarah. Love you too, Papa. सर देखिए एक लड़की चेयर पर बैठी हुई है, एक डिजिटल फोटो और एक फाइल भी है। सर फोटो खींचने का टाइम और डेट मालूम चल सकता है। कैमरा जीपीएस की सेटिंग में जाकर हम ये जानने की कोशिश करेंगे इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या था सर, और इस तरह से ये फोटो की जगह हम जान जाएंगे सर। लेकिन ये सब इतनी आसानी से कैसे हो गया? जो से सैम सिटी में हो रहे मर्डर का पता लगाते हुए सैम ने अपनी जान दे दी। सैम को पता चल गया था उस हाइडिंग प्लेस के बारे में। डेविड भी
इस सैम के रास्ते पे जा रहा है। सुनो, मेरा प्यारा ड्राइवर तुम्हारी सर्कल में आ रहा है, ओके? जब तक कि मैं ना पहुंच जाऊं उसे रोके रखना। क्या है डेविड, आजकल तुम पुलिस का काम कर रहे हो क्या? ऐसा मत करो, आजकल पहले की तरह नहीं है। नए नए लड़के पुलिस में आ गए, तुम जाओ और जाकर अपने परिवार का ध्यान रखो, वरना तुम जिसे मारना चाहते हो ना वो तुम्हें ही मार डालेगा। हम उसे संभाल लेंगे। सर जाने दीजिए, हम उसका पीछा नहीं कर पाएंगे। Louder than the blood that will flow tonight. I need to see the fear within while I am wandering alone. Won't you come to me, my love? I need you by my side. Moving, I'm gently I can taste the fears inside. Catch me.
come and find me if you need me. My doors are open wide. डेविड, तुम हार गए। क्या कमाल का गेम था। तुम ही हो मेरे असली दुश्मन। जानना चाहते हो मैं चाकू का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं? तुम्हें गुदगुदाने के लिए, क्योंकि गन से सब कुछ तुरंत हो जाता है। कौन निडर है, कौन डरपोक है, ये बात समझ में आ जाती है। तुम सोच रहे होगे कि मैं कौन हूं। सुनो डेविड, मैं जीतना चाहता हूं और जीतना ही मेरा काम है। हा
dirty scumbag. I know who you are. मेरे सामने खड़े होकर तूने वीरता की बातें की और तू हार गया. Then tell me, damn it, who am I? डेविड, उठो. Who I am?
जिसने हमारे साथ ऐसा किया उसे मैंने खत्म कर दिया। वो आदमी हमारी पहचान वाला ही था। हमने सोचा भी नहीं था कि वो इतना घटिया काम कर सकता है। मैंने तुझे पहचान लिया जेम्स। तुम उसे अच्छी तरह जानती हो। ऐसे लोग दोहरी जिंदगी जीते हैं, इसलिए कोई नहीं पहचानता। परिवार और दोस्तों के सामने वो बहुत अच्छे बनकर रहते हैं, बाहर बहरूपिया बनकर रहते हैं ताकि उनकी असलियत सामने ना जाए। एंड्रयू सेज, अगर तुम जीतने का लक्ष्य रखते हो तो घर से निकलना होगा। पर जीत तो तुम गए, अब हमारी बच्चियों को कुछ नहीं होगा, वो सेफ हैं। मैं भी उन बच्चियों को न्याय दिलाना चाहता था, पर मैं सारा से जानना चाहता था कि वो आखिर है कौन। बड़ी होने के बाद वो खुद ही फैसला करेगी कि वो इसके बारे में हमें बताना चाहती है या नहीं। मेरे घर में भी आपकी तरह एक प्यारी सी बेटी है। माय फैमिली, it is the greatest wealth I shall ever possess. No matter what, none of us will ever have to walk alone. I can never thank enough my mother, who taught me that together we're truly a full circle. But above all this, there is that one person who always watched my back when I had to walk by myself. Love you, Sara. That one person who always held me when I cried. I know, not everyone believes in superheroes. But for me, every day of my life, there is someone who stands by my side protecting me. My guardian angel, my constant companion, my first love. And that's my dad, David. My own very special superhero, the Great Father.